अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरगोविंद हेल्थ में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है इस एनाकोंडा ऑयल का रिव्यू को लेकर के। जी हाँ, ये एनाकोंडा ऑयल आज की वीडियो में इसका रिव्यू करेंगे, जानेंगे क्या इस ऑयल का यूज करने से क्या फायदे होते हैं, किस परेशानी में इसका इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसका यूज करना है और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। जी हाँ, ये एनाकोंडा ऑयल जिसको बनाए हैं डॉल्फिन लैब से, तो हम आज रिव्यू करने जा रहे हैं इस एनाकोंडा ऑयल का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इस एनाकोंडा ऑयल के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि किन चीजों को लेकर के ये ऑयल बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बनाया गया है अकरकरा, ये बनाया गया है पिस्ता, ये बनाया गया है मूसली को लेकर के बनाया गया है, और इसमें मालकांगनी भी डाला गया है, इसमें जाफरान का भी इस्तेमाल किया गया है, इसमें दालचीनी का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर जायफल का भी इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर शतावरी का भी इस्तेमाल किया गया है, और दोस्तों इसके अंदर अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया गया है। अब साथ साथ में एक चीज में एक रसायन भी डाला गया है, जी इसमें आर्सेनिक का भी इस्तेमाल किया गया है, एक केमिकल का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है आर्सेनिक, इसमें आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया है। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर के ये ऑयल तैयार किया गया है। अब जानते हैं इसके होने वाले फायदे कि किस तरह से ये फायदा करता है और किन परेशानी में आपको ये फायदा करेगा। जी हाँ दोस्तों, लिंग के ढीलेपन के अंदर, यानी कि जो लिंग का ढीलापन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसके फायदे क्या है? फायदा ये कि लिंग का ढीलापन यानी कि स्तंभन दोष उसमें ये फायदा करता है। अब फायदा किस तरह से करता है कि जब आप इस ऑयल की मसाज करते हैं अपने पेनिस के ऊपर, तो वो नसों में आपका खून के दौरान को बढ़ाता है, हमें गर्माहट पैदा करता है और खून के दौरान को बढ़ाता है, जिससे उसमें तनाव आता है आपके पेनिस के अंदर। साथ ही साथ क्या में फायदा करता है? साथ साथ फायदा करता है कि आपकी स्किन की संवेदनशीलता को बढ़ाता है। तो ये फायदे हैं इसके। अब जानते हैं इसको यूज कैसे करना। तो यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है दोस्तों। क्या तरीका है? तरीका ये है कि सिर्फ आप इसमें से 10-5 बूंदे लें और ऐसे पेनिस के ऊपर लगाएं, फिर पीछे से आगे की ओर इसको मसाज करें। 10-15 मिनट आप इसको मसाज करें। मसाज करने के एक आधे घंटे बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं, साफ करके वॉश कर सकते हैं। हाँ, आगे वाले हिस्से पे इसको ना लगाएं, क्योंकि इसमें एक चीज यहां वाजे करना चाहता हूं मैं, क्योंकि इसमें केमिकल डाला गया है। अब केमिकल डालने से क्या हो सकता है कि किन्हीं पेशेंट को, किन्हीं मित्रों को हमारी एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है या शिकायत हो सकती है उन्हें खुजली की, तो वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये मैं बता देना चाहता हूँ, वादे करना चाहता हूँ यहाँ पे। फिर कहना चाह रहा हूँ, सावधानी की बात करें तो सावधानी भी यही है कि वो मित्र हमारे जिनको इसको लगाने के बाद एलर्जी हो रही है या खुजली की शिकायत हो रही है, तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। अब दोस्तों एक सवाल यहाँ ये उठता है, प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि क्या इस ऑयल के लगाने से लिंग का साइज बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ ये बात मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ कि नहीं, किसी भी ऑयल के लगाने से, खाली ऑयल के लगाने से पेनिस का साइज इंक्रीज नहीं होता है। जब तक कि आप उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सही थेरेपी के साथ उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तब तक उसका साइज गेन नहीं होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा क्या है जिसकी सहायता से आप अपने पेनिस का साइज बढ़ा सकते हैं? क्योंकि खाली ऑयल से तो आप मसाज करते हो पेनिस का साइज नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ, अगर आप इस पंप का इस्तेमाल करेंगे और साथ में ऑयल का यूज करेंगे तो आपके पेनिस का साइज इंक्रीज होता है। अब देख लेते हैं जरा सा कि जान लेते हैं कि क्या ये पंप किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये पंप बना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। इस पंप का नाम है हैंडसम अप पंप, इसका नाम है। इसका सिलेंडर है, उसके ऊपर यहाँ स्केल दिया गया, और सिलेंडर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। बहुत से हमारे जो मित्र हैं वो हमसे ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या ये जो सिलेंडर बना हुआ है कांच का होता है, या उनको ये महसूस होता है कि वीडियो के अंदर जो दिखा रहे हैं वो कांच का है। जी नहीं, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ ये कांच का बना हुआ नहीं होता, बहुत ही अच्छी क्वालिटी फाइबर का ये ग्लास बना हुआ होता है। अब इसके ऊपर क्या फायदा है? इसके ऊपर स्केल भी बना हुआ है। इसके बनने से क्या फायदा है कि आपको जब इसके अंदर पेनिस आप इंसर्ट करेंगे और जब इसके अंदर प्रेशर आप क्रिएट करेंगे, तो आपको इसके अंदर पेनिस अपना खिंचता हुआ दिखाई देगा और कितने इंच तक बढ़ रहा है वो आपको दिखाई देगा। उससे पहले आपको करना क्या है, जी हाँ ये भी जान लेते हैं, ये क्या चीज है? ये आती है इसके साथ में, इनको जनरल लेवल में लोग कहते हैं रबड़। रबड़ नहीं है, ये है पंप की स्लीव्स, जो कि अलग अलग साइज में दी गई है, लार्ज में दी गई, मीडियम में दी गई और एक्स्ट्रा लार्ज में दी गई है। फर्ज कीजिए आपका साइज ये है और आप इसको एस एस पे लगा देंगे, ये लग गया। अब इसको ऐसे अंदर कर देंगे तो ये आपका पंप अब यूज करने के लिए तैयार है। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है एक बलून। बलून से क्या हो रहा है? बलून से आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। ये जैसे कि आपने देखा है कि डॉक्टर्स के पास होता है एक बीबी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें एक बलून लगा हुआ था, सेम ये उस तरह का एक बलून है। इसको दबाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, और ये बटन दिया गया है, इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेशर को रिलीज करने के लिए।
साथ में ये कनेक्टर पाइप है जो भी बहुत अच्छी, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो टोटली ये बनकर के आपका एक हैंडसम पंप तैयार होता है इन सब चीजों को मिला करके। तो दोस्तों अगर आपको इस पंप के बारे में और जानकारी हासिल करनी है तो ऊपर कार्ड में आप देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे पंप का यूज करना है, किस तरह से पंप असेंबल होता है और कैसे इसको परचेज करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना है इस एनाकोंडा ऑयल के बारे में, इसका इस्तेमाल कैसे करना, साथ ही जाना हमने पंप के बारे में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।